हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पर्सनलाइज ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया है। उन्होंने हमसे एक इंसिडेंट शेयर करा है कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका 20,000 का लॉस हो गया है मीशो पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ में। ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपसे ये इंसिडेंट शेयर करूँ। बट इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक करिए। तो वो उन सेलर से मिस्टेक ये हुई कि उन्हें 3-4 प्रोडक्ट मीशो पे न्यूली लॉन्च करने थे, तो उन्होंने प्रोडक्ट को लिस्ट करा और उस पर डे वन से ही स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट रन कर दिए। स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट रन करा और उनको रन करना था सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही 2,000 रुपीज का डेली बजट रखा। मिस्टेक उनसे ये हुई कि उन्होंने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी बट एंड डेट सेलेक्ट करना भूल गए, या फिर ऑटो नो एंड डेट सेलेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि वो स्पॉन्सर डेट्स को चलते रहे, वो स्पॉन्सर डेट्स को पॉज करना बंद करना भूल गए। नो एंड डेट ऑलरेडी सेलेक्टेड था, इसके कारण वो स्पॉन्सर डेट्स 10 डेज तक रन होता रहा। स्पॉन्सर डेट से ऑर्डर आए उनको बट उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं रहा जितना वो उनको एक्सपेक्टेशन था, बट बजट उनका सारा बर्न हो गया। मतलब जितना भी उनके अकाउंट में मनी था वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गया। 2,000 पर डे का उनका बजट था डेली बजट, और 10 डेज स्पॉन्सर्ड एड्स रन हुए तो उनका 20,000 रुपीज बर्न हो गया और एक्सपेक्टेड आरओआई भी उतना नहीं आया। तो ओवरऑल उनको ये एक्सपीरियंस बहुत ही उनके लिए डिससेटिस्फाइंग और डिसहार्टनिंग था। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मीशो या किसी भी मार्केट प्लेस पर स्पॉन्सर्ड एड्स रन करें तो प्लीज़ एंड डेट ज़रूर सेलेक्ट करें। खासकर अगर आप डेली बजट वाला एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एंड डेट सेलेक्ट करना नहीं भूलें, जिससे आपको भी इस तरह का लॉस फ्यूचर में कभी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।